एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। अभी हम आ गए हैं चांदनी चौक चोर बाजार। तो चलिए आप लोग भी चांदनी चौक देख लीजिए। और मैं भी पहली बार आई हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह 4-5 बजे से ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ, और शाम में भी काफ़ी भीड़ होती है। और सुबह 4-5 बजे से चोरी का सामान बहुत मिलता है, मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन, कैमरा, जो भी आप लेना चाहें यहाँ पर बहुत ही कम दामों में मिल जाएगा आपको। कुछ चोरी का भी सामान होता है, या तो फिर किसी का ज़रूरत नहीं होता है तो वो भी यहाँ आकर के बेचता है, या कपड़े वगैरह मॉल में जो काफ़ी दिन से लगा होता है और उसे कोई नहीं लेता है तो फिर यहाँ पर आकर के कम दामों में बेच देता है। बेचने और खरीदने वालों को यहाँ काफी भीड़ होती है। अगर आप चोर बाजार में कुछ लेने आ रहे हैं तो उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे सामान और खराब सामान दोनों होते हैं। तो उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे के बारे में, या कपड़े के बारे में अच्छी जानकारी हो, तभी यहाँ पर आए। नहीं तो यहाँ से ख़रीदा हुआ माल कभी वापस नहीं होता, और या पैसे भी रिटर्न नहीं होते हैं। तो जो भी सामान ले रहे हैं तो सोच समझ कर ही लें। अगर चांदनी चौक चोर बाजार आप आ रहे हैं तो आपको जितना पैसे का ज़रूरत है उतना ही लेकर आए, और अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो सामने वाला पॉकेट में ही रखें। और आपको ध्यान मोबाइल पर ही होना चाहिए, क्योंकि चोर बाजार है तो यहाँ पर चोर भी होते होंगे, क्योंकि काफ़ी सारा चोरी के सामान भी यहाँ पर मिलते हैं। जो कहीं से चोरी करके लाते हैं वो यहाँ बेच देते हैं। कोई सामान लोग क्यों इतने सस्ते में बेचते हैं, क्योंकि चोरी का सामान हो या तो उसके लिए यूजलेस हो या पैसे की ज़रूरत हो, तभी कुछ भी सामान बेच देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे सामान भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। तो फ़ोन वगैरह ले तो अच्छे से चेक करके, क्योंकि 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है फ़ोन की। साड़ी, लहंगा, कुर्ती सभी बहुत ही कम दामों में यहाँ पर अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। आज मैं मॉर्निंग में 11 बजे ही घर से निकली थी, पर यहाँ पर आते आते काफ़ी रात हो गया है। और क्योंकि सबसे पहले मैं शीतला माता मंदिर गई थी, और उसके बाद हुमायूं मकबरा, उसके बाद लाल किला, और फिर चांदनी चौक, और अब इसके बाद घर जाना है, तो इसीलिए काफ़ी लेट हो गया है। और जो लोग हुमायूं मकबरा, लाल किला और शीतला माता मंदिर का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। और आज घूमते घूमते काफ़ी थक भी गए हैं, क्योंकि सुबह से घूम रहे हैं। आज संडे है, इसीलिए सोचे कि जितना घूमने का 3-4 जगह घूम लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से घर जाना है। काफ़ी थकान हो गई है, देखिए मेरा फेस से दिख रहा होगा कि कितना थक गए हैं। और अभी हम लोग को गुड़गांव जाना है, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली में है तो यहाँ से 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी लगभग 9 बज गए हैं, तो जाते जाते 11-12 बज गए। और देखिए विराज का, अब घूमते घूमते सभी को काफ़ी भूख भी लग गया है और काफ़ी लेट हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए, डिनर के बाद फिर रूम पर जाना है। और आज मॉर्निंग से बाहर का खाना ही हो रहा है, क्योंकि सुबह मंदिर निकले थे, शीतला माता मंदिर, गुड़गांव शीतला माता मंदिर,
तो यहाँ से मॉर्निंग में ही निकल गए थे क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, तो फिर भूखे पेट भी निकलना पड़ा। और उसके बाद फिर मंदिर जाने के बाद हम लोग खाना खाए और उसके बाद फिर उधर ही निकल गए। तो दिन भर आज बाहर कहीं खाना हो रहा है और यहाँ से खाना खा करके हम लोग सीधा अब रूम पर जाएंगे, आराम करेंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। और यहाँ पर किसी बच्चे का बर्थडे हो रहा है, इतना तेज भूख लगा हुआ था ना कि पहले मैं वीडियो में नहीं शूट की क्या क्या आया खाने में, उसके बाद ख़त्म हो गया तो फिर लगेगा, तो कोई बात नहीं, बस खाना पीना हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं रूम पर। तो अगर वीडियो किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी रूम पर आ गए हैं, अभी 11 बज गए हैं, 12 घंटा घूमे।